चैनल माय ब्यूटीफुल गार्डन। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं माय ब्यूटीफुल गार्डन का टूर। और आज हम लोग जो टूर करेंगे उसमें हम लोग अपने टेरिस गार्डन का टूर करेंगे और डाउन साइड गार्डन का टूर करेंगे। वैसे तो हम लोग डाउन साइड गार्डन का टूर कर चुके हैं, पर अब हमारा डाउन साइड गार्डन अपडेट हो चुका है, तो हमें वहाँ पे न्यू प्लांट्स देखने को मिलेंगे, और इसलिए आज हम डाउन साइड गार्डन का भी टूर करेंगे। और बात रही लॉबी की, तो लॉबी में जितने भी प्लांट्स हैं वो सब डाउन साइड गार्डन में शिफ्ट हो गए हैं। वहाँ पे बहुत थोड़े से प्लांट्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। और अभी दिवाली आ रही है, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग अगर मुझे मेरी दिवाली का गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और सारे वीडियोस को लाइक करके मुझे मेरा दिवाली का गिफ्ट दे सकते हैं। और आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अब हम लोग अपने माय ब्यूटीफुल गार्डन का टूर स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम टेरिस गार्डन का टूर करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी जो आप प्लांट सामने देख रहे हैं ये है सुदर्शन का प्लांट, और ये प्लांट हमारे ईयर्स यानी कि हमारे कान के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। क्योंकि अगर आप लोग के कान में कोई भी प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो अगर आप इसकी लीव्स को अच्छे से गर्म पानी में बॉईल करके और इसके रस को निचोड़ के अपने कानों में डालेंगे तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो सही हो जाएगी, और ये कानों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। और उसके बाद ये है हमारा तुलसी का प्लांट। तुलसी का प्लांट तो आप लोग जानते ही होंगे, हम लोग इसे तुलसी माता भी कहते हैं। और तुलसी के प्लांट के साथ साथ यहाँ पे एक छोटा सा वेलवेट का प्लांट भी है, और इस तुलसी के प्लांट को हम लोगों ने एक टब में लगा दिया है। और फिर उसके बाद ये है हमारा भिंडी का प्लांट यानी कि लेडी फिंगर का प्लांट। और अगर आप लोग लेडी फिंगर का वीडियो चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और क्योंकि भिंडी की हमारे घर में ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी हो रही है, तो आप लोग देख सकते हैं ये भिंडी का जो प्लांट है वो एक बकेट में लगा हुआ है, और ये भिंडी का प्लांट बहुत ही लंबा भी हो गया है, ये देखिए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर एक भिंडी का फ्लावर है येलो कलर का, और जो भिंडी का फ्लावर होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, और बाद में यही भिंडी बनेगा। और मुझे लगता है अभी यहाँ पे फिलहाल कोई भिंडी है तो नहीं, क्योंकि जो भी भिंडियाँ उगती हैं वो सब मम्मी तोड़ लेती हैं, तो अभी तो यहाँ पे कोई भिंडी है नहीं। पर यहाँ पर कुछ बर्ड्स हैं जो आगे चल के भिंडी बनेंगी। और हमारा जो नेक्स्ट प्लांट है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है किस चीज का है, और ये धूप की वजह से ड्राई भी हो गया है, आई थिंक इसका सीजन चला गया है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है किस चीज का प्लांट है, तो इसे हम रहने देते हैं। और उसके बाद ये है हमारा करी का प्लांट, इसे हम लोग आई थिंक मीठी नीम भी कहते हैं, और जो करी पत्ता डाला जाता है करी में ये उसी का प्लांट है। और फिर उसके बाद ये है हमारा मोगरे का प्लांट। जब मैंने मोगरे का वीडियो बनाया था तो मैंने आपको ये छत पे आके ये प्लांट दिखाया भी था, और आप देख सकते हैं ये प्लांट एक टब में हमने ग्रो किया है, और ये टब बहुत ही बड़े साइज में है। और आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पे कोई फ्लावर तो है नहीं मोगरे का, क्योंकि मोगरे का सीजन जा चुका है। और फिर उसके बाद यहाँ पर है मेथी का प्लांट, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेथी का प्लांट है, और साथ में थोड़ी बहुत धनिया भी है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी धनिया भी है। और फिर यहाँ पर धनिया का प्लांट है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी हरी भरी धनिया उगी हुई है, और ये प्लांट हमने एक बकेट में ग्रो किया है। और उसके बाद ये है बैगन का प्लांट छोटा सा, और बैगन के साथ साथ यहाँ पे धनिया भी उगी हुई है, ये देखिए धनिया भी है, और यहाँ पे और भी कई प्लांट्स हैं यहाँ पे, ये देखिए। और मम्मी ने यहाँ पे भी धनिया ग्रो की है, तो यहाँ पे भी बहुत हरी भरी धनिया है। और
तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने 3 जगह धनिया ग्रो की है। तो पहले तो हम लोगों ने इस बकेट में धनिया ग्रो की है, और इस बकेट में भी हम लोगों ने धनिया ग्रो की है, और इस बकेट में भी हम लोगों ने धनिया ग्रो की है, और उसके बाद यहाँ तो सब जगह धनिया ही धनिया है इस पोर्शन में। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी धनिया है, और ये एरिया फुल ऑफ धनिया यानी कि कोरिएंडर है। तो ये देखिए ये कितना बड़ा सा ग्रो बैग है, और इसमें बहुत सारी हरी भरी सी धनिया है, और साथ में यहाँ पे ब्रिंजल यानी कि बैगन का पेड़ भी है, और यहाँ पे एक छोटी सी बड है बैगन की, पर हमारे घर में बैगन सही से उगते नहीं, पता नहीं क्या होता है, मतलब उगते हैं सड़ जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, अंदर ही अंदर सड़ जाते हैं, पता नहीं क्या होता है, तो कभी अच्छे से बैगन उगते ही नहीं है हमारे घर में। पर धनिया तो यहाँ पे बहुत ही हरी भरी है। और फिर इस बकेट में मेथी है, ये देखिए, और यहाँ पे भी धनिया ही धनिया है इस ग्रो बैग में, ये देखिए धनिया धनिया धनिया, और यहाँ पर है एक शिमला मिर्च का पेड़, आई थिंक ये शिमला मिर्च का पेड़ है या नॉर्मल मिर्च का पेड़ है, मेरे ख्याल से तो ये शिमला मिर्च का पेड़ है। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी मेथी ही मेथी है इस ग्रो बैग में, और यहाँ पे भी एक शिमला मिर्च का पेड़ है, और फिर इस ग्रो बैग में भी धनिया ही धनिया है, ये देखिए हरी भरी धनिया। और ये देखिए ये ग्रो बैग तो पूरा फुल ऑफ कोरिएंडर है। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी सारी धनिया है, और ये जो ग्रो बैग है वो पूरा धनिया से फुल हो चुका है। और यहाँ पर ये देखिए ये एक टमाटर का पेड़ है, आई थिंक ये टमाटर का पेड़ है, पता नहीं किस चीज का पेड़ है, और यहाँ पर शिमला मिर्च का पेड़ है, ये देखिए शिमला मिर्च का पेड़, और यहाँ पर है गोभी का पेड़, और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी गोभी भी है, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये गोभी, और ये है हमारा गोभी का पेड़, और इसे भी हमने ग्रो बैग में ही ग्रो किया है, और ये गोभी का पेड़ है, और इसमें गोभी भी है, तो इसे देख के तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, और ये मुझे बहुत ही अच्छी भी लग रही है देखने में। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी ऐसे ग्रो बैग्स बाय करना चाहते हैं तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, ये ग्रो बैग्स अमेज़न पे इजीली अवेलेबल है, तो आप लोग इसे अमेज़न से भी बाय कर सकते हैं, और लिंक तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दी है। ये है हमारा हैमली का प्लांट, वैसे तो ये ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, क्योंकि इसकी जो ब्यूटी होती है वो इसकी रेड और ग्रीन लीव से होती है, और ऐसी ब्यूटीफुल बड टाइप चीजों से होती है, और इसमें ज्यादा लीव्स भी नहीं है और ऐसी बर्ड्स भी नहीं है, इसलिए ज्यादा ब्यूटीफुल तो नहीं है। और ये है हमारा तुलसी का प्लांट, ये जो तुलसी का प्लांट है इसे हमने बड़े से ब्लैक टब में ग्रो किया है, और यहाँ पे भी एक छोटा सा तुलसी का प्लांट है हरा भरा सा, और यहाँ पे एक और गोभी का प्लांट है, और ये भी ब्लैक टब में ही है, और यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा गोभी का प्लांट है, पर अभी इसमें कहीं मुझे गोभी दिख नहीं रही है, उसमें तो थी गोभी पर अभी इसमें नहीं है। और ये एक और तुलसी का प्लांट है, छत पे ज्यादा धूप आती है तो इसीलिए ये थोड़ा सा मुरझा गया है, थोड़ा सा सूख गया है। और इधर भी हमारा एक गोभी का प्लांट है, और ये भी हमने ब्लैक टब में ग्रो किया है, और इसमें भी अभी गोभी है नहीं, बहुत ही जल्द उग जाएगी, अभी फिलहाल इसमें गोभी है नहीं, सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं। और ये एक और तुलसी का प्लांट है, ये काफी हरा भरा तुलसी का प्लांट है, और इससे भी हमने एक ग्रो बैग में ग्रो किया है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपना टेरेस गार्डन का टूर कर चुके हैं, और अब हम लोग चलते हैं डाउनसाइड गार्डन में। डाउनसाइड गार्डन में जाने से पहले मैं आप लोगों को अपनी लॉबी के भी प्लांट्स दिखा देती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को जो भी मैंने अभी तक प्लांट्स दिखाए हैं, अगर इनमें से किसी का भी वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लॉबी में कौन कौन से प्लांट्स हैं।
तो ये है हमारा जैस्मिन यानी कि मोगरे का प्लांट, और अभी इसमें फ्लावर्स नहीं है बिकॉज इसका सीजन तो जा ही चुका है। ये है हमारा पाल्म प्लांट, और यहाँ पर हमारा तुलसी और रोज का प्लांट है। तो यहाँ पर है तुलसी का प्लांट और यहाँ पर है रोज का प्लांट, और यहाँ पे एक रोज है भी जो कि थोड़े दिन पहले खिला था तो अभी वो मुरझा गया है। और ये जो रोज प्लांट है ये काफी बड़ा है, और मुझे देखकर ये लग रहा है कि अभी इसमें 2-3 दिन पहले रोज खिले थे जो कि मुरझा के झड़ गए हैं। और यहाँ पे पीछे बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रोज हैं भी, एकदम फ्रेश रोज। तो चलिए देखते हैं उन ब्यूटीफुल से रोसेस को। तो ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा रोज का रोज फ्लावर है, ये भी मुरझा गया है क्योंकि ये थोड़े दिन पहले ही खिला था। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल सा रोज खिला हुआ है, और ये कितना फ्रेश है। सारे फ्लावर्स तो झड़ गए ठीक है, लेकिन ये दो रोज जो है वो एकदम न्यू है और फ्रेश है, और साथ में ब्यूटीफुल भी है बहुत। और उधर भी ये देखिए एक रोज है और वो भी बहुत ही फ्रेश है, और उसके साइड में आप देख सकते हैं बर्ड्स भी हैं। तो अभी और रोज खिलेंगे, और ये देखिए यहाँ पर जो बर्ड है वो तो खिलने ही वाली है 2-3 दिन में। और यहाँ पे भी एक हमारा पाल्म प्लांट है, और पाल्म प्लांट के पीछे ये एक तुलसी का प्लांट है, और यहाँ पे एक छोटा सा बैम्बू का प्लांट भी है, और ये है लेमन ग्रास का प्लांट, और ये नीचे रखा है। और ये देखिए लेमन ग्रास का प्लांट, और यहाँ पर तुलसी का प्लांट है, ये देखिए तुलसी का प्लांट, और यहाँ पे एक सक्यूलेंट प्लांट भी है, और यहाँ पे भी एक तुलसी का प्लांट है जो कि तेज धूप की वजह से मुरझा गया है। और यहाँ पर है हमारा मनी प्लांट, और मनी प्लांट तो बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छा ग्रो होता है। तो ये देखिए ये हमारा मनी प्लांट है जो कि ये ऐसे 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 नीचे तक गया है, ये देखिए। और यहाँ पर हमारे कुछ विंका के प्लांट्स हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो विंका का प्लांट है इसमें पिंक फ्लावर है वो भी व्हाइट सेंटर के साथ, और यहाँ पर है परसुलेन का प्लांट। तो ये देखिए परसुलेन के प्लांट में एक फ्लावर है, वैसे तो सीजन जा रहा है इसलिए इसमें ज्यादा फ्लावर्स नहीं है, पर तब भी इसमें 1-2 फ्लावर्स है, यहाँ पे भी है। और यहाँ पे सामने मूज रोज का प्लांट भी है, मूज रोज के प्लांट्स तो मुरझा गए हैं अभी। और यहाँ पर है हमारा करी पत्ते का प्लांट, और साथ में यहाँ पे एक छोटा सा बैम्बू का प्लांट भी है, और यहाँ पे पपाया प्लांट भी है। और अब हम लोग चलते हैं डाउनसाइड गार्डन में। सो फ्रेंड्स अब हम लोग डाउनसाइड गार्डन में आ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं डाउनसाइड गार्डन का टूर। सो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये है हमारा ड्रेसिना ट्राइफास्टा का प्लांट, और यहाँ पे भी वही सेम प्लांट है, तो ये दोनों प्लांट्स तो सेम है। और यहाँ पर है बहुत सारे विंका के प्लांट्स, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये सारे जितने भी कलर्स हैं विंका के ये सब पिंक हैं, लेकिन थोड़ा सा शेड का बस डिफरेंस है, जैसे कोई बहुत ही लाइट पिंक है तो कोई डार्क पिंक है तो कोई मीडियम पिंक है। तो चलिए देखते हैं एक एक कलर को विंका के। तो सबसे पहले तो ये है पिंक विंका का प्लांट, वैसे तो सारे कलर पिंक हैं, तो ये थोड़ा सा डार्क पिंक है विंका का, और यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं विंका के जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और ये काफ़ी ब्यूटीफुल भी लग रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर है थोड़ा सा लाइट पिंक कलर विंका का, तो ये देखिए यहाँ पे ये जो कलर है ये थोड़ा सा लाइट पिंक है, ये देखिए। और यहाँ पर ऐसा सेम कलर है यहाँ पे, मीन्स डार्क पिंक है ये, और यहाँ पे 2 फ्लावर्स हैं बस विंका के, ये देखिए। और यहाँ पे साथ में एक और विंका का प्लांट है, पर अभी इसमें फ्लावर नहीं है, अभी सिर्फ इसमें ये बड है, ये देखिए। यहाँ पर है हमारे 2 गजेनिया के प्लांट्स, तो यहाँ पर तो वाइट गजेनिया का प्लांट है, इसमें 2 वाइट
व्हाइट कलर के गजेनिया के फ्लावर्स थे भी, पर अभी इस एरिया में अच्छे से धूप नहीं आई है तो अभी ये फ्लावर्स मुरझा गए हैं। और यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स भी हैं, ये देखिए। और यहाँ पे भी एक गजेनिया का प्लांट है, आई थिंक इसमें पिंक कलर का गजेनिया निकलता है। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्ड भी है, और दो दो बर्ड्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा विंका का प्लांट है, ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल विंका का प्लांट है। और इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पिंक कलर के फ्लावर्स भी हैं विंका के। और ये जो कलर है विंका का, ये थोड़ा सा लाइट पिंक कलर है विंका का, ये देखिए। और इनके सेंटर में वाइट कलर है, मीन्स इनका सेंटर जो है वो वाइट कलर का है, ये देखिए। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं। और फिर यहाँ पर है एक ब्यूटीफुल सा बंच विंका का, और आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल बंच है, ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये भी पिंक कलर का विंका है, और ये थोड़ा सा मीडियम पिंक है, और इसका जो सेंटर है वो वाइट कलर का है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं क्योंकि ये एक बंच में है, ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल बंच है। और फिर यहाँ पर है सबसे लाइट पिंक कलर का विंका, यहाँ पे बेबी पिंक कलर के विंका के फ्लावर्स हैं, ये देखिए। और साथ में यहाँ पे मीडियम पिंक कलर के भी विंका के फ्लावर्स हैं, मीन्स दो कलर एक साथ हैं। तो ये देखिए ये दोनों कलर विंका के हैं, लाइट पिंक और एक डार्क पिंक, और ये दोनों बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और ये बेबी पिंक कलर तो ब्यूटीफुल है ही। और यहाँ पर एक और विंका का प्लांट है, इसमें भी वाइट सेंटर है ये वाले कलर में, और ये वाले कलर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम प्लांट है और इनका भी सेंटर वाइट है। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, लेकिन बंच ये जो है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है क्योंकि ये ब्यूटीफुल सा बंच है। और यहाँ पर वाइट विंका का प्लांट है, यहाँ पे पांच विंका के फ्लावर्स हैं वाइट कलर के, ये देखिए। और यहाँ पर थोड़ा सा मीडियम पिंक विंका के फ्लावर्स हैं दो, और यहाँ पे सिर्फ दो ही फ्लावर्स हैं, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे स्मॉल विंका के वाइट कलर के फ्लावर्स हैं। यहाँ पर जो आप लोगों ने कलर देखा ये बिग साइज था, और यहाँ पे स्मॉल साइज है विंका का, ये देखिए। और यहाँ पे एक बर्ड भी है। और यहाँ पर एक और विंका का कलर है, ये थोड़ा सा रेड कलर है, इसका भी सेंटर वाइट है, ये देखिए। विंका के जितने भी कलर्स हैं ये कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे। और यहाँ पर है पर्पल कलर का विंका, यहाँ पे तीन फ्लावर्स हैं पर्पल कलर के, ये देखिए। और यहाँ पर है मैजेंटा कलर का प्लांट विंका का, यहाँ पे भी वही मैजेंटा कलर का प्लांट है, और यहाँ पे तीन फ्लावर्स भी हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर है हमारा बैम्बू प्लांट, यहाँ पर है मैरीगोल्ड यानी कि गेंदा का प्लांट, और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा गेंदा का फ्लावर भी है। यहाँ पर है बिगोनिया का प्लांट, जब हम लोग नर्सरी गए थे और जिसका मैंने अभी वीडियो बनाया था प्रीवियस वीडियो में, तब हम लोग ये बिगोनिया का प्लांट भी लाए थे, जिसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है क्योंकि जो पुराना वाला बिगोनिया था वो तो डैमेज हो गया था, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स भी हैं। यहाँ पर है मधुमालती का प्लांट, पहले तो जब मम्मी लाई थी तो ये बहुत ही बेकार हो गया था, फूल वूल कुछ आ ही नहीं रहते, लेकिन अब दोबारा से इसमें ब्लूमिंग शुरू हो गई है। और यहाँ पे ब्यूटीफुल से फ्लावर्स भी हैं, ये देखिए। और ये जो फ्लावर्स हैं ये पिंक कलर के हैं, ये देखिए। अब इसमें फ्लावर्स आने लगे हैं और पहले तो आ ही नहीं रहे थे। और ये है कांटे वाला प्लांट, ये मैं आपको दो तीन बार वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि इसमें कांटे हैं और इसमें रेड कलर के फ्लावर्स उगते हैं।
और यहाँ पर है कैलेंचो का प्लांट। अभी फिलहाल विंटर सीजन ज़्यादा अच्छे से आया नहीं है, इसलिए अभी इसमें फ्लावर्स भी नहीं है, पर जैसे ही विंटर सीजन आएगा फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ये है हमारा मैरीगोल्ड का प्लांट, और जब हम लोग नर्सरी गए थे तब हम लोग ये लाए थे नर्सरी से, और अभी इसमें 3 फ्लावर्स भी हैं। और ये वाला जो फ्लावर है वो ज़्यादा बिग है और ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। और ये है हमारा पिंक हिबिस्कस का प्लांट, इसमें जब पिंक कलर का हिबिस्कस निकलता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल निकलता है, पर अभी यहाँ पे वो फ्लावर है नहीं। और यहाँ पर है एक रोज़ का प्लांट, और यहाँ पर है डेंटस का प्लांट। ये देखिए इसमें पेंसिल के छिलके जैसे फ्लावर्स निकलते हैं, और ये वाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स हैं डेंथस के। और यहाँ पर है वर्बीना का प्लांट, ये देखिए ये 2 वर्बीना के छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। अभी इसमें ज़्यादा फ्लावर्स इसलिए नहीं है क्योंकि अभी विंटर सीजन आया नहीं है, जब विंटर सीजन आएगा तो ये बंच में उगेंगे क्योंकि बहुत छोटे से होते हैं, तो जब बंच में उगते तभी दिखते हैं। और यहाँ पर है पिटोनिया का प्लांट, और इसमें रेड कलर का पिटोनिया का प्लांट फ्लावर भी है। और यहाँ पर है गुड़हैल यानी कि हिबिस्कस का प्लांट, ये देखिए। तो ये है हमारा हिबिस्कस यानी कि गुड़हैल का प्लांट, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स भी हैं, और इसमें येलो कलर का हिबिस्कस का प्लांट फ्लावर निकलता है, जो कि मैंने आपको 2-3 वीडियो में दिखाया भी है। और अभी यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बर्ड्स भी हैं, तो अभी जल्दी ब्यूटीफुल येलो कलर के हिबिस्कस के फ्लावर निकलने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक बर्ड है, यहाँ पर एक बर्ड है, और यहाँ पर भी बर्ड है, ये देखिए यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी एक बर्ड है, यहाँ पर भी है। तो ये 2 इतनी सारी बर्ड्स हैं, तो बहुत सारे हिबिस्कस निकलने वाले हैं येलो कलर के। और आप लोग ने ये भी देखा होगा कि वो कितने ह्यूज साइज में निकलते हैं, उनका सेंटर रेड होता है और येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, और वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। और यहाँ पर है हमारा एक और बैम्बू का प्लांट, ये देखिए। और यहाँ पे साथ में विंका का प्लांट भी है, जिसमें मीडियम पिंक कलर के विंका के फ्लावर्स हैं, ये देखिए, और ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं विंका के, ये देखिए। और मुझे तो ये देख के बहुत खुशी हो रही कि यहाँ पे दो नहीं बहुत सारी हिबिस्कस की बर्ड्स हैं, और बहुत सारे फ्लावर्स भी निकलने वाले हैं। और यहाँ पर है कोलियस का प्लांट, यहाँ पे 2-3 कलर्स हैं कोलियस के, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो कोलियस का कलर है वो पर्पल, डार्क पर्पल कलर है, और इसके सेंटर में थोड़ा सा लाइट कलर है पर्पल। और यहाँ पर एक कोलियस का कलर है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन बॉर्डर वाला कोलियस का कलर है, ये देखिए। यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल कलर है, ये देखिए। यहाँ लोग जब नर्सरी गए थे तब हम लोग इसको भी लाए थे, और यहाँ पे भी बहुत सारे कोलियस है, ये देखिए। यहाँ पर है शिमला मिर्च का प्लांट, और यहाँ पे साथ में लहसुन भी मम्मी ने बोया था, तो ये देखिए लहसुन उगने लगा है, ये देखिए यहाँ पे लहसुन उगने लगा है। और जो भी प्याज व्याज के छिलके निकलते हैं, जो भी सब्जी के छिलके निकलते हैं, वो सब हम लोग क्यारी में ही डाल देते हैं, बहुत अच्छी खाद बन जाती है। ये मैंने आपको करेले के वीडियो में बताया भी था। और यहाँ पर है शिमला मिर्च का प्लांट, और ये है हरी मिर्च का प्लांट, और ये है टमाटर का प्लांट छोटा सा, और इधर भी बहुत सारे लहसुन उग रहे हैं, ये देखिए बॉर्डर में। और ये है पारिजात का प्लांट, ये देखिए। अभी इसमें फ्लावर आएंगे नहीं, जब ये बड़ा हो जाएगा तब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। और ये एक और मधुमालती का प्लांट है, और यहाँ पर है शिमला मिर्च का एक और प्लांट, और यहाँ पे शिमला मिर्च है भी, ये देखिए यहाँ पे एक शिमला मिर्च है भी, यहाँ पे उगती रहती है शिमला मिर्च। और यहाँ पर है बैगनी मिर्च का प्लांट, तो ये देखिए यहाँ पे पर्पल कलर की मिर्च है। पहले तो मुझे लगता था कि ये बैगन है या कैप्सिकम है,
मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन अभी अभी मम्मी ने बताया कि ये बैगनी मिर्च का प्लांट है और यहाँ पे बहुत सारी हैं भी मिर्च, ये देखिए। और साथ में ये है हमारा बड़ा सा लौकी का प्लांट, ये देखिए, ये हमारा बहुत बड़ा सा लौकी का प्लांट है और इसमें लौकी है भी बहुत सारी, जैसे कि ये देखिए सामने छोटी सी लौकी है और ये अंदर बड़ी सी लौकी है, और ये देखिए यहाँ पे भी एक लौकी है और इसमें अंदर ही अंदर बहुत सारी लौकियाँ उग रही हैं, और ये देखिए ये इसका फ्लावर है वाइट कलर का, ये देखिए ये लौकी का फ्लावर है और यहाँ पे ये देखिए लौकी भी है, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी लौकी हैं, और ये देखिए यहाँ पर ये इसकी बड्स भी बहुत सारी हैं, ये देखिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इसका भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि लौकी इतनी अच्छी उग रही है तो वीडियो तो बनता है। और ये रोज़ का प्लांट है, ये लिली का प्लांट है, अभी इसमें इनमें से किसी में भी फ्लावर नहीं है, और ये भी रोज़ का प्लांट है। ये इन सब प्लांट्स का तो पता नहीं, लेकिन लौकी का जो प्लांट है इसमें बहुत सारी लौकियाँ हैं और बहुत सारी अंदर हैं, तो मैंने आपको कुछ तो दिखा ही दी हैं और कुछ अंदर अंदर हैं, ये देखिए। और ये बहुत ही ह्यूज लौकी का प्लांट है, इसके पत्ते आप लोग देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टेयर्स पे देखिए, यहाँ स्टेयर्स पे भी बहुत सारे प्लांट्स रखे हैं, यहाँ पे तो पाल प्लांट और सुदर्शन का प्लांट है, और यहाँ पे कोलियस के प्लांट हैं, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर तो है हमारा एक ब्यूटीफुल सा कोलियस का प्लांट, और ये प्लांट जो है वो फुल ऑफ लीव्स है, और आप लोग देख सकते हैं इसमें कितनी ब्यूटीफुल और कितनी सारी लीव्स हैं कोलियस की, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये पूरा बंच जैसा। और यहाँ पर एक पाल प्लांट है, और यहाँ पर एक और प्लांट है, इस प्लांट के जो पत्ते हैं वो आप लोग देख ही सकते हैं कितने बड़े बड़े हैं, और यहाँ पे एक और कोलियस का प्लांट है, और ये कोलियस के प्लांट जो है इसकी जो लीव्स हैं इसमें 3 कलर्स हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा एक मनी प्लांट है, और ये मनी प्लांट हम लोगों ने ऐसे एक डंडे से बांध दिया है, क्योंकि ये बढ़ता जाता है, तो ये जब बढ़ेगा तो डंडे जैसे वैसे बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे भी कोलियस का प्लांट है, और यहाँ पे जो कोलियस का प्लांट है इसमें बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं कोलियस के, ये देखिए, और नीचे स्मॉल साइज है, और ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। यहाँ पे भी कोलियस है, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर का कोलियस है, यहाँ पे डिफरेंट कलर का, और यहाँ पे भी कोलियस है, और यहाँ पर है पाल्म प्लांट, और यहाँ पे सुदर्शन का प्लांट है। अभी मैंने टेरेस गार्डन पे आप लोग को बताया ही था कि ये लीव्स के ईयर्स के लिए कितना अच्छा होता है। और यहाँ पर है कैलेंचो का प्लांट, अभी विंटर सीजन आया नहीं है इसलिए इसमें अभी फ्लावर्स भी नहीं है। और फ्रेंड्स, मैं इधर का तो व्यू आप लोगों को करा ही चुकी हूँ, और यहाँ पे जो करेले की बेल लगी थी वो सब हट गई है, क्योंकि करेले का सीज़न जा चुका है, तो अभी यहाँ पे कोई भी बेल नहीं है करेले की। और यहाँ पे तरोई की भी बेल थी पर अब वो भी हट गई है, क्योंकि उसका भी सीज़न जा चुका है। और यहाँ पे ऊपर हम भी हमारे बहुत सारे प्लांट्स रखे हैं, तो यहाँ पे तो मूजरोज़ का प्लांट है, और फिर उसके बाद मोगरा का प्लांट वहाँ पे रखा है, और यहाँ पे वेलवेट का प्लांट है, ये देखिए यहाँ पे मूजरोज़ का प्लांट भी है, और साथ में यहाँ पे वेलवेट का प्लांट भी है। और फ्रेंड्स, इधर क्यारी में ये देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल सा पीच कलर का रोज़ उगा हुआ है, और ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, क्योंकि इसका जो पीच कलर है वो इतना सुंदर है, तो आप लोग देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है।
और फ्रेंड्स हमारे टेरिस गार्डन पे जो लेमन प्लांट था वो अब नीचे शिफ्ट हो गया, यानी कि डाउनसाइड गार्डन में शिफ्ट हो गया है। और अभी हम लोगों ने इसे क्यारी में लगा दिया है और इसमें बहुत सारे लेमन्स तो थे ही, ये मैंने आपको लेमन वाले वीडियो में भी दिखाया था। ये देखिए इसमें बहुत अच्छी लेमन की ग्रोथ हो रही है और हम लोग लेमन यहीं से तोड़ के ले जाते हैं। और फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, और अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो टेक केयर एंड बाय बाय।